दोस्तों एक ऐसी प्रॉब्लम है जो अक्सर बहुत सारे व्यक्तियों के अंदर में देखी जाती है, उस प्रॉब्लम का नाम है हमारी पेशाब की नली के अंदर में रुकावट होना, पेशाब की नली के अंदर में जलन होना, यानी कि रुक रुक के पेशाब का निकलना, पेशाब करते समय बहुत ज्यादा दर्द का महसूस होना, जलन का महसूस होना, या फिर पेशाब कम निकलना, या फिर घंटों घंटों तक पेशाब निकलता ही नहीं है। ये समस्या देखिए मैं इतना ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बताने वाला, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो सीधे हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो भैया एक से दो बार ये ट्रीटमेंट, आप जो दवाई मैं यहां पे बनाने बताऊंगा, ये एक से दो बार आपको लेना है। एक बार लेने से 50% आपको आराम मिलेगा, दो बार लेने से आपकी प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। आप इस चीज को नोट कर लीजिए। अब आपने जो जो चीजें लेनी है उनको जरा आप लिख सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ दो चीज लेनी है। पहली चीज गोखरू लेना, गोखरू आपने लेना है 12 ग्राम, गोखरू 12 ग्राम ले लिया, गोखरू को पीस के पाउडर कर लें, सबसे बढ़िया रहेगा। इसके अलावा आपने 12 ग्राम अच्छी क्वालिटी के बासमती के चावल लेने हैं, बासमती चावल 12 ग्राम ले लिए। एक गिलास यानी कि 200 ml आपने पानी लेना है, 200 ml पानी को पतीले में डाल दें, उसके अंदर में 12 ग्राम गोखरू का पाउडर और 12 ग्राम चावल जो आपने लिए, चावल को पाउडर नहीं करना है। देखिए ये मैं ऐसी औषधि बता रहा हूं आपको, एक बार लेने से ही आपके पेशाब की जलन हर चीज आपकी बिल्कुल सही कर देगी, ऐसी औषधि है। अब आपने 12 ग्राम चावल, 12 ग्राम गोखरू का पाउडर, उस 200 ग्राम आपने पानी के अंदर में डाल के पतीले में डाल के उसको बॉयल करना है। बॉयल कब तक करना है? जब उसकी क्वांटिटी बॉयल होते 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 आधी आ जाए, तब तक आप उसको बॉयल करते रहिए। उसके बाद में आप उसको गैस को बंद करिए, उसको नीचे उतारिए पतीले को, उसको छान लें। छानने के बाद में सुबह उसका इस्तेमाल करें, सुबह या तो खाली पेट इस्तेमाल करें या फिर खाना खाने के आधे घंटे बाद उसका इस्तेमाल करें। ये तो है सुबह इस्तेमाल करने का तरीका। अब ऐसे ही रात को भी आपने एक बार बना के इस्तेमाल करना है, और रात में कितने बजे करना है, या तो खाना खाने से यानी कि डिनर करने से एक घंटा पहले आप इस्तेमाल करिएगा, या फिर आप रात को जब सोने के लिए जाएंगे तब आपको इस्तेमाल करना है। दिन में दो बार इस्तेमाल करने से ही पेशाब संबंधी, जलन संबंधी, मूत्र संबंधी, रुकावट संबंधी, कैसी भी आपकी समस्या है, आपकी सारी की सारी समस्याएं बिल्कुल जड़ सहित खत्म हो जाएंगी इस प्रयोग को करने से। अगर आपको बहुत ज्यादा पुरानी प्रॉब्लम है तो आप इसका प्रयोग 2 से 3 दिन 4 दिन लगातार करके देखिए, आपका पेशाब भी खुल के आने लगेगा। जिनको लगता है कि भी मैं पेशाब करने के लिए बैठता हूं लेकिन पेशाब करने के लिए जैसे बैठता हूं पेशाब रुक जाता है, पेशाब की नली के अंदर में कुछ रुकावट आ जाती है, तो ऐसे व्यक्ति इसका सेवन लगातार कुछ दिन करिए। आपके मूत्र संबंधी, मूत्र विकार, अंदर की थैली के अंदर, पेशाब की थैली के अंदर में कोई भी इंफेक्शन है, कोई भी प्रॉब्लम है, आपकी हर प्रकार की प्रॉब्लम को ये छोटा सा घरेलू प्रयोग मात्र कुछ दिन के अंदर में जड़ से खत्म कर देगा, इतना आप यकीन मान के जरूर चलिए। तो इसको इस्तेमाल जरूर करिएगा।